इसको आगे करने कैसे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, लेक्चर नंबर 1 इस्लामियात का काम। आज हम गुस्ल के बारे में पढ़ेंगे। जी, गुस्ल का लफ्जी मतलब होता है नहाना। ठीक है, आपकी बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 7, गुस्ल के फ़र्ज़ और गुस्ल का तरीका। फ़र्ज ऐसा अमल यानी ऐसे काम को कहते हैं कि अगर छूट जाए तो गुनाह होगा, और हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। ठीक है, गुस्ल के अरकान और फ़र्ज़ कितने हैं? गुस्ल के अरकान और फ़र्ज़ 3 हैं। अच्छी तरह कुली करना, यानी ऐसे कुली करना कि हलक तक पानी जाए, लेकिन अगर आप रोजे की हालत में तो फिर हलक तक पानी नहीं लेके जाएंगे। नाक में पानी चढ़ाना, यानी ऐसे नाक में पानी करना कि नाक की नरम हड्डी तक पानी जाए, लेकिन अगर रोजे की हालत में है तो फिर नाक तक भी पानी नहीं चढ़ाएंगे। नंबर 3, पूरे जिस्म को धोना और अच्छी तरह मलना। गुस्ल की ये 3 फ़र्ज़ हैं, यानी अगर इनमें से कोई एक फर्ज भी छूट गया, यानी अच्छी तरह कुली नहीं की या नाक में पानी अच्छी तरह नहीं चढ़ाया या पूरे जिस्म को अच्छी तरह नहीं धोया, कोई एक हिस्सा भी इनमें से बाल बराबर भी खुश्क रह जाएगा, तो फिर गुस्ल नहीं होगा। ठीक है, यानी फर्ज ऐसा काम होता है कि अगर वो छूट जाए तो उसके छोड़ने पर गुनाह भी मिलता है और हमारी इबादत भी कबूल नहीं होती। गुस्ल का तरीका, ये है कि सबसे पहले हम हाथ धोएं, जहां गंदगी लगी है उस जगह को धोएं। नंबर 3, वजू कर लेना बेहतर है मगर जरूरी नहीं है। इसके अलावा 3 बार हलक तक पानी ले जाकर अच्छी तरह कुली करना। नंबर 5, 3 बार नाक में पानी डालना और नाक साफ करना, और नाक साफ करते वक्त इस चीज का ख्याल रखना कि नाक बाएं हाथ से साफ करें। दाएं कंधे पर 3 बार पानी डालना, फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी डालना, और सर समेत पूरे जिस्म पर पानी बहाना। जब गुसल कर लें और गुसल से फारिग हो जाएं, तो गुसल से फारिग होने के बाद अपने पांव को अच्छी तरह से धोना। अच्छा, इसके अलावा आपकी बुक से हटकर थोड़ा सा मैं इजाफी बातें बताना चाहूंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुसल के बारे में हदीस है जो यहाँ पर बुक में नहीं दी हुई। फिलहाल गुसल का मसनून तरीका यह है कि हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुसल का इरादा फरमाते हैं तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ धोए, फिर इस्तंजा किया। इस्तंजा कहते हैं कि जब आप वॉशरूम यूज कर लें, फारिग हो जाएं, तो फिर अपने आप को क्लीन करें, इसको इस्तंजा बोलते हैं। फिर बायां हाथ जिसे इस्तंजा किया था वो जमीन पर रगड़ा, फिर इसको धोया, फिर कुली की, नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक हाथ धोए, फिर सर पर पानी डाला और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाया। 3 बार सर पर पानी डाला, फिर तमाम बदन पर पानी डाला। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल किया था वहां से हटकर पांव धोए। गुसल जैसा नहाते वक्त पर्दे का एहतमाम किया जाता है, इसी तरह से गुसल करते वक्त भी पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, पर्दे में गुसल करना चाहिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल के बाद वजू नहीं करते थे। जब हम गुसल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वजू की जरूरत नहीं रहती। उस गुसल के साथ ही, यानी जो आपने गुसल किया उसके बाद आप कोई भी इबादत कर सकते हैं। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ेंगे, या अगर कुरान पढ़ना चाहते हैं तो कुरान पढ़ेंगे। नापाकी के अलावा, यानी गुसल तब किया जाता है जबकि नापाकी की हालत हो, नापाकी के अलावा और कौन कौन से ऐसे मौके हैं जिन पर गुसल करना जरूरी है, इस बारे में देखते हैं कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें से कोई शख्स जुम्मा की नमाज के लिए आए तो उसे गुसल करना चाहिए, यानी जुम्मे के दिन गुसल करेगा तो उसे सवाब मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा से भी इसी तरह से एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि हफ्ते में एक दिन गुसल करे, बेहतर है कि जुम्मे के दिन अपना सर और बदन धो ले। मैयत को गुसल देने के बाद, यानी जो शख्स मैयत को गुसल दे रहा है उसके बाद भी नहाना मुस्तहिब है। अगर कोई ना नहाए सिर्फ हाथ धो ले तो ये भी काफी है।
इसी तरह से हजरत कैस बिन आसिम एक सहाबी हैं, उनसे रवायत है कि जब वो मुसलमान हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुसल करें। बहकी में है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जुम्मे के दिन अरफा यानी योम अरफा यानी नौजिल हज जो है और ईदैन यानी ईद उल अजहा और ईद उल फितर के दिन गुसल करना चाहिए। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज का एहराम बांधते वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल किया था। गुसल का लफ्जी मतलब भी धोना होता है, नहाना होता है, लेकिन ये आम जिसे हम वैसे नसर धो लें और पूरा जिस्म धो लें ये उस तरह से नहीं, बल्कि गुसल का एक खास तरीका है जो कि अभी हमने पढ़ा है। इस तरह से जिस जो तरीका हमने पढ़ा है इस तरह से नहाने को गुसल कहते हैं और हफ्ते में एक बार जरूर गुसल करना चाहिए। इसके अलावा जुमा योम अरफा और ईदैन के दिन अगर कोई नया मुसलमान हुआ हो उसे और हज का एहराम बांधते वक्त भी गुसल करना चाहिए। जी ये थी गुसल की तफसीलात जो आज हमने पढ़ी हैं और यही आपने अच्छी तरह से याद करनी है।